आज के टाइम में भगत सिंह का रोल असली में आप लोग प्ले करते हो, आप लोग हो जनता जो भगत सिंह का काम करते हो। ज्योति मिर्दा जी ने कहा था कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मुझे बोतल खाली करने के लिए भेजा है। एक इकलौता हनुमान बेनीवाल जी है जो ऐसा नेता है जिनको प्रधानमंत्री जी बार बार जूम करके देखते हैं कि भाई साहब इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया। थर्ड पार्टी है, थर्ड नहीं, हम हमारी फर्स्ट पार्टी समझते हैं इनको, भाई है हमारा, सबका नेता है, वो क्या बोतल को खाली करेंगे जिसको जनता ने प्यार और अपनेपन से भर दिया हो। ऐसी देवतुल्य जनता को मेरा सत सत नमस्कार। कहते हैं महिला नारी सशक्ति की बात करते हैं मोदी जी, आज के पंडाल में देखो कोई महिलाएं नहीं है। अगर आपने हनुमान बेनीवाल जी को ज्यादा संख्या में वोट देकर आपने पार्लियामेंट में नहीं भेजा तो ये सड़कें महिलाओं से खाली हो जाएगी। देश गलत हाथों में है ये सबको भी पता है। धर्म के नाम पे राजनीति होती है, बेटी के नाम पे राजनीति होती है, शिक्षा के नाम पे राजनीति होती है। राजनीति असली में क्या होती है वो हनुमान बेनीवाल जी से पूछे, जो इकलौता नेता है जो सबके हक और अधिकार की लड़ाई करता है, रात को सड़कों पे बैठा रहता है, वो इकलौता हनुमान बेनीवाल है। वरना आप जाके देखो आज भी लोग सोए पड़े हैं, जनता गई भाड़ में, जनता से किसी को लेना देना नहीं है। जब खुशी हुई कांग्रेस से गठबंधन हुआ, कांग्रेस हमारी पार्टी है, हमारी दलित शोषित पीड़ित पार्टी है, आज हमारा भाई किसी के साथ मिलता है और देश के हित की बात करता है तो हम जैसी बेटियों को गर्व होता है कि हनुमान बेनीवाल जी एक इकलौता नेता है जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, किसानों की बात करता है, नव युवाओं की बात करता है। नहीं तो महिला सशक्ति की बात आती है, ज्योति मिर्दा जी मैडम साहिबा को जाके बता दीजिए कि मैडम साहिबा जब किसानों की बात हुई थी, जब नव युवाओं की बात हुई थी, जब बेटियों के हक अधिकारों की बात हुई थी, तब आप कहाँ थी? तब आप हरियाणा में बैठी थी और राजस्थान की जनता पे इकलौता नेता सड़कों पे लड़ रहा था, वो है इकलौता हनुमान बेनीवाल। पहलवानों की बात करें, शायद आपने देखा होगा, मैं भी थी उन पहलवानों के पांच बेटियों के साथ में बैरिकेड पे खड़ी थी और हनुमान बेनीवाल जी भी थे। कांग्रेस ने पूरा साथ दिया है उन बेटियों का और उन्हीं भ्रष्ट बीजेपी के नेताओं में से एक था ब्रजभूषण, जिनसे जिसने बेटियों की रिस्पेक्ट को तार तार कर दिया। ये है बीजेपी, ये है मोदी जी की जनता, ये है बीजेपी सरकार। फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। मैं फिर भी आपसे एक बार निवेदन करती हूं कि हनुमान बेनीवाल जी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर पार्लियामेंट में पहुंचाएं। धन्यवाद।